हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएमएस क्लासेस। आज हम लोग अभिभावक सहमति पत्र जो upmsp.edu.in पर अभी जारी हुआ है उसी के बारे में बात करेंगे कि यह क्या है, आपको क्या करना है इसके बारे में। अभिभावक सहमति पत्र जो है कि जो आपके पेरेंट्स है, माता जी, पिताजी, आपके गार्जियन, वो उस पर सिग्नेचर हस्ताक्षर करके देंगे कि हम जो है अपने पुत्र या पुत्री को स्कूल भेजने की अनुमति देते हैं। यह सिंपल सा है। आपको भी यह करवाना है अपने पिताजी या माताजी से। इसमें देखिए सीधा सीधा लिखा क्या है, श्रीमती आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग। आराधना शुक्ला जी मुख्य सचिव हैं। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश 11/65/15/7/2020 दिनांक 16/9/2020 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में विद्यालय खोलने तथा अपने पाल को विद्यालय भेजने जाने की अनुमति दिए जाने के क्रम में, आपको पता होगा 16/9/2020 के द्वारा जो निर्गत दिशा गाइडलाइंस दी गई थी विद्यालय खोलने की जो अनुमति है उस पर जो है अपने मैं श्री श्रीमती यानी कि अपने पिताजी या माताजी का नाम यहाँ पर आप लिखवाइए तथा अपने पुत्र पुत्री अपना नाम यहाँ पर और आप किस क्लास में हैं आप यहाँ पर नोट करवाइए लिखिए को विद्यालय में स्वच्छता एवं कोविड-19 को बचाव हेतु संस्था द्वारा दिए गए प्रयासों को यानी कि जो विद्यालय है वहाँ पर सुरक्षित साफ सुथरा है, कोविड-19 का जो है प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं उसी के तहत मैं अपने पुत्र व पुत्री को सुरक्षित पाते हुए सहर्ष खुशी के साथ स्कूल भेजने विद्यालय भेजने में अनुमति प्रदान या करती हूँ। आप यहाँ पर सिंपल सा है श्री श्रीमती के स्थान पर यानी आपने माताजी या पिताजी का आप नाम लिखवा लीजिए और अपने पुत्र पुत्री यानी अपना यहाँ पर नाम लिखवा लीजिए। कक्षा आप जिस क्लास में हैं 9th, 10th, 11th, 12th जिस भी क्लास में है अपना क्लास लिखवाइए को विद्यालय में स्वच्छता विद्यालय फर्स्ट क्लास आपका साफ सुथरा आपके पिताजी के निगरानी में पता किया गया कि सब कुछ सही है अपने पुत्र को भेज दें। हस्ताक्षर अभिभावक यानी अपने पिताजी या माताजी अपने गार्जियन का हस्ताक्षर करवाइए, पता अपना लिखिए और मोबाइल नंबर पिताजी का। और एक बात यह है कि विद्यालय कैंपस में के लिए शर्त है कि आपको मास्क, सैनिटाइजर, पानी का बोतल अपना खुद का यूज करना है यानी स्कूल में जो बनेगा जो है आप वहाँ पर जो है नॉर्मल जो हैंडपम्प या रहता है उसको आप यूज बहुत ही रेयर केस में कर पाएंगे। आप अपना खुद का बॉटल, हम तो ये भी कहेंगे अपना खुद का बॉटल ले जाइए और कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो कीजिए। और ये भी नियम है कि बालिकाएं और बालक यानी गर्ल्स और बॉयज़ जो है अलग अलग दिन जाएंगे स्कूल में। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को बालिकाएँ जाएंगी तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को बालक विद्यालय में उपस्थित होंगी यानी आपका जो है एक वीक में जो है आपका 3 दिन ही क्लास चल पाएगा। 3 दिन स्टूडेंट्स में, 3 दिन गर्ल्स का, 3 दिन बॉयज़ का, ये जिससे जो है आपके 50% जो है स्टूडेंट ही उपस्थित हो पाए। और नॉर्मल है, इसको हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे, आप यहाँ पर इसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा के अपना नाम लिखवा लीजिए या तो आप खुद अपना पेन से यहाँ पर नाम लिख के पिताजी का सिग्नेचर करके स्कूल में आपको जमा करना मैंडेटरी है। और अगर आपको डाउनलोड करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको करके जमा कर दीजिए और कंटिन्यू स्कूल को अटेंड कर सकते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। धन्यवाद। बहुत फियर ऑफ जाइए, अपना सुरक्षा जो है प्रिकॉशन जो है ज़रूरी है लेकिन बिना फियर के आप अभिभावक सहमति पत्र जो है कॉलेज में जमा कीजिए गार्जियन सिग्नेचर करवा के और जाइए पढ़िए क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है इट्स कंफर्म कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है और होगा फरवरी नहीं तो मार्च में होगा। मार्च में तो होने की भी बात हो रही है, यूपी बोर्ड की जो है मार्च में एग्ज़ाम करवाएगा इस बार। और आप मन लगा के पढ़िए, अभी आपके पास बहुत टाइम है क्योंकि जितना है बहुत है, जितना टाइम है बहुत बचा है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सकती है और बहुत ही जल्दी चैनल पे आपको जो है बहुविकल्पी MCQ देखने को मिलेंगे क्योंकि आप देखे होंगे क्लास 12th में जो है हिंदी वगैरह में जो है 10 बहुविकल्पी आ जाते हैं जो कि बहुत ही मायने रखते हैं। 10 नंबर यानी कि आपका 2% इंटर में, 2% नहीं 0.2% बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेंगे और पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही जल्दी आपको वीडियो जो है MCQ को देखने को मिलेंगे चैनल पर। धन्यवाद।